हमारा चैनल देखने वाले सभी साथियों से अनुरोध है, आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन की घंटी दबाएं। धन्यवाद। आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में हैं और ऐसे समय में जब पूरे देश में एक नया लहर है, एक नई चुनौती है कांग्रेस के सामने, ऐसे में अनिल चौधरी जी को प्रेसिडेंट बनाया गया है दिल्ली का। सर, अभी आपको कितनी बड़ी चुनौती लग रही है फिर से ग्राउंड जीरो से कांग्रेस को फिर से ऊपर लेके आने के लिए? देखिए, सोनिया जी ने और राहुल जी ने मुझे जिम्मेवारी दी है, बड़ी उम्मीद के साथ जिम्मेवारी दी है, और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने दोनों नेताओं का और कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण का जिन्होंने ये फैसला लिया। और सही बात है, चुनौती है, और कोई भी जिम्मेवारी छोटी या बड़ी चुनौती नहीं होती है, और चुनौती चुनौती है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। और इसे पूरा करने के लिए मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा जो कांग्रेस का परिवार है उसमें वरिष्ठ नेतागण हैं जिन्होंने अपना जीवन इस कांग्रेस के लिए दिया है, अभी भी समय दे रहे हैं, और एक वो जनरेशन है जिनके साथ मैंने यूथ और एनएसएम में काम किया, और एक आने वाली जनरेशन है जिनको कांग्रेस के साथ जोड़ना है। तो मैं ये तीनों ही पीढ़ियों को साथ लेते हुए मेरी कोशिश रहेगी संगठन को हम दोबारा ब्लॉक स्तर से लेके बूथ स्तर तक का संगठन हम बनाएं, और इस संगठन को हम जल्दी बनाने का प्रयास करेंगे जिससे कि ये लोग घर घर जा कर के फिर कांग्रेस की नीति, कांग्रेस के कार्य, कांग्रेस का जो 15 साल का महान नेतृत्व रहा है उसको भी पहुँचाएंगे, और दूसरा दिल्ली के हित में कोई फैसला होगा स्वागत करेंगे, लेकिन यदि दिल्ली के लोगों के खिलाफ, दिल्ली की जनता के खिलाफ यदि कोई नीति, कोई ऐसा कार्य यदि सरकारें करेंगी तो उसका विरोध करने का भी काम हम लोग करेंगे। जी, एक छोटा सवाल ये है कि सारे कम से कम बीजेपी और ये आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, उनका सांगठनिक काम एक बड़े निचले लेवल पे पहुंच गया है, जो आधार कांग्रेस का था कहीं ना कहीं वही आधार उनके साथ चला गया है, उसको फिर से कैसे वापस ले आने? देखिए, उनके संगठन के बारे में तो मैं नहीं कुछ बोल पाऊँगा, लेकिन मैं अपने परिवार के बारे में बोल सकता हूँ। आप देख सकते हैं, मैंने रिक्वेस्ट भी की थी हम कम लोगों में ही अपने वरिष्ठ लोगों के साथ ये कार्यभार संभालेंगे, तो आज हर ब्लॉक में, हर बूथ पर एक खुशी है और माहौल है और उम्मीदें हैं, और जिन लोगों के अंदर खुशी है मुझे पूरा विश्वास है वो कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता, थोड़ा सा स्वाभाविक है, हार के बाद हौसला टूटता है, लेकिन मेरा ये काम रहेगा कि उन तमाम लोगों के बीच में जा करके उनका हौसला अफजाई के साथ दोबारा कांग्रेस वर्ग का काम पे लगे, और एक बड़ी चुनौती जो दिलों के अंदर नफरत को कम करना, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो पिछले 5-6 सालों में जो दिल्ली का माहौल रहा है, आज भय का माहौल है, आज हर व्यक्ति डरा डरा सा है, और इसका उदाहरण है जो दिल्ली के अंदर दंगे हुए, दंगे के बाद एक दिन में जिस तरह दिल्ली और NCR में सन्नाटा छा गया, तो आज एक खौफ का माहौल भी है, तो ये भी एक चुनौती है दिल्ली के लिए, और इस दिल्ली के लोगों में दोबारा ये प्रेम, स्नेह और भाईचारा बने उसके लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मैं अपील भी करूँगा और काम भी करूँगा कि दोबारा सबसे पहले ये प्यार मोहब्बत लौट। लेकिन आप पिछले 15 साल का आप हवाला देते हैं, आगे का क्या विजन है? विजन तो दिखाएंगे तभी तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। देखिए, मैंने एक ही बात कही, संगठन के तौर पर आज कह सकता हूँ, सबको काम और सबको सम्मान, ये मेरा सभी से अनुरोध है। जो काम करना चाहते हैं, ये ऑफिस खुला है, और मैं वादा करता हूँ ऑफिस में कम लोगों से उनके क्षेत्र में जाके मिलने का काम अनिल चौधरी करेगा। जो बिछड़े हुए लोग हैं आप उनको फिर से जोड़ने का काम करें। कांग्रेस परिवार सब लोगों का परिवार है, और ये बात सही है, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, माइनॉरिटी के लिए, समाज में जो सबसे पिछड़ा वर्ग है उनकी आवाज़ कांग्रेस पार्टी बनती रही है, लेकिन आज व्यापारी वर्ग परेशान है, आज दिल्ली का हर वो व्यक्ति परेशान है जो शहर में रह रहा है, वो देहात में रह रहा है, और यही उम्मीद मुझसे मेरे नेतृत्व ने भी रखी है, और मुझे लगता है कि मेरे दिल्ली की जनता भी मुझसे उम्मीद रखती है कि 2 बार काउंसिलर और 1 बार MLA के तौर पर जो मेरे पास अनुभव है, उस अनुभव पर दिल्ली का माहौल ना बिगड़े, दिल्ली का विकास हो, तमाम समाज का हम लोग ध्यान रखें, उनकी आवाज़ बन सके। चलिए, एक बार फिर से हम UNA की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, और आपकी जो भी चुनौतियाँ हैं आप उसमें सफल हों, इसी उम्मीद के साथ मैं UNA के लिए हिम्मत सिंह, थैंक यू सर, धन्यवाद।